अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में मौजूद हूँ। इस कब्रिस्तान में जहाँ पे नामवर शख्सियात मौजूद हैं, बड़े बड़े अदाकारों शहदा की कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पे अल्लाह के वलियों की कब्रें भी मौजूद हैं, दरबार भी मौजूद हैं। इसी तरह के एक दरबार अल्लाह के जो वली हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी इनके ये नाम है और ये मियानी साहब कब्रिस्तान के मिड में वाकया है जहाँ मैं मौजूद हूँ। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ दे दूँ कि 1948 हिजरी 1576 ईस्वी को ये लाहौर में पैदा हुए थे और लाहौर के उस अंदरून शहर में पैदा हुए थे जहाँ पे अब मोती बाज़ार भी है। और इन्होंने जो अपनी तलीम है, इल्मी तलीम है, वो लाहौर के तलीमी लाहौर के इल्मी माहौल में हासिल की। बहुत सारे अलूम से इन्होंने तलीम हासिल की। और उसके बाद अगर इनके शागिर्द की बात की जाए जिनके ये अंडर रहे थे, वो हज़रत मजद अलिफ रहमतुल्लाह अलैह थे जिनके ये शागिर्द थे और खुलफा में ये माने जाते हैं। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में दो शादियां की थी। और उससे पहले ये भी कहा जाता है कि इन्हें किसी औरत से मोहब्बत हुई थी और जब मोहब्बत हुई तो वो मंदिर में ये जाकर वहाँ पर बैठ जाया करते थे और टीका लगा लिया करते थे। तो इनके शागिर्दों ने हज़रत मजद अलिफ रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर कहा कि हमारे उस्ताद को वापस लेकर आएं और इनके लिए दुआ कीजिए। और जब हज़रत मजद अलीफ रहमतुल्लाह अलैह ने उनके लिए दुआ की तो वो उल्टे पांव वापस भागे आ गए। और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है यहाँ मियानी कब्रिस्तान में जो एक दरसगाह बनाई थी वहाँ पे गुजारी। मियानी कब्रिस्तान में उन्होंने एक मदरसा बनाया था और इसके साथ ही एक कुतुब खाना भी बनाया गया था जहाँ पर बहुत सारी दीनी किताबें मौजूद थी। और कहा यह जाता है कि उस वो वक्त ऐसा था जहाँ पर ये सिखों का दौर था और जब वो वहाँ पे किताबें वगैरह रखी गई और स्टूडेंट्स को जो है वो दीनी अलूम दिया जाता था तो वहाँ पे सिखों ने आके उन किताबों को चोरी कर लिया इस घर से कि यहाँ पे सोना मौजूद है और वो किताबें तमाम तर उठा कर ले गए। जब उन्होंने उन वो डब्बों को कह ले या फिर उन डोरियों को खोला तो उसमें किताबें निकली और वापस उन्हें अफसोस हुआ और वो वापस वो किताबें मियानी साहब कब्रिस्तान के बाहर रख कर चले गए। तो ये इनकी हिस्ट्री है। और यहाँ में ये भी सुनने में आता है कि यहाँ पे जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। हम यहाँ के मतवली से भी बात करेंगे और एक ऐसे इंसान से बात करेंगे जिसका कहना ये है कि मेरी वालदा जो है वो यहाँ पर आया करती थी, जो यहाँ के सजादा नशीन थे बड़े, उनके पास आया करती थी और उनसे कहती थी कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाजे। और वो यहाँ पर आया करती थी और उस सजादा नशीन ने इनके तवसल से इनके वसीले से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको वो बेटा अता किया। और वो यहाँ पे मुसलसल आते हैं, खिदमत करते हैं, सफाई करते हैं और वो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं। उनका कहना है कि मुझे यहाँ पे 40 साल हो गए, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मेरे जो चार बेटे हैं वो भी इनकी दुआओं के वसीले से ही हुए हैं। और हम आपको उस कब्रिस्तान उस जगह भी लेकर चलेंगे, उस मज़ार के पास लेकर चलेंगे जो जहाँ पर जिन्नात की कब्र मौजूद है, जिनको ये कहते हैं कि ये जिन्नात के बादशाह हैं और इन्हीं से ही सब कुछ होता है। यहाँ सुनने में ये भी आता है कि लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे जिन्नात को देखा है। वो मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, वो मेहमान जो सबसे बड़े हैं, जो सजादा नशीं हैं, जो बुज़ुर्गवार हैं, वो उनका इस्तकबाल भी करते हैं और वहाँ पे छुप के उनका इस्तकबाल किया जाता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हमने उनको अपनी आँखों से यहाँ पर खड़े हुए पाया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मजीद साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। हम यहाँ दरबार के पास आ गए हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड। और मेरे साथ मजीद हुसैन साहब मौजूद हैं जो हर वक्त यहाँ पर होते हैं और इनकी वालदा भी यहाँ आया जाया करती थी। और आजकल इनका कहना है कि मैं हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता हूँ, यहाँ पे खिदमत करता हूँ, सफाई भी करता हूँ। इनसे हम तमाम तारीख और हिस्ट्री जानेंगे कि यहाँ पर सुनने में आता है कि जिन्नात आकर नमाज भी पढ़ते हैं और क्या करामात है इन बुज़ुर्ग की, इसके हवाले से हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की बड़ी रहमत। मजीद साहब क्या करते हैं और हमें कुछ इन बुज़ुर्ग के हवाले से बताइए। और जैसे कि आपने कहा कि आप यहाँ पे हर वक्त रहते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि यहाँ पे किस तरह से आना जाना होता है। लोगों का कहने में ये सुनने में हमें आता है कि यहाँ पे जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं, तो इस हवाले से हमें बताइए। जी इंशाल्लाह, बेसिकली जो मैं पुलिस में जॉब करता हूँ एज अ ऐसे हूँ और मैनेजर पाकिस्तान पुलिस पावर लिफ्टिंग टीम हूँ और पाकिस्तान फेडरेशन पावर लिफ्टिंग का जो वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं अपने वालदा के साथ बचपन से आ रहा हूँ, तकरीबन 3-4 साल एज थी मेरी, और इन्हीं बुज़ुर्गों की जो है दुआ से जो है वो पैदा हुआ हूँ। और आप जो है कुछ तारीख में बुक्स में ये मिलता है कि अफ़गानिस्तान से आए, कुछ जो ईरान से कहते हैं, आपकी बेसिकली रिहाइश जो है वो चूना मंडी में थी और आप सिलसिला कादरिया में बहुत बड़े पाए के शेख हैं, आपका सानी कोई नहीं है। बेसिकली आप इमाम मस्जिद थे, कारी थे, हाफ़िज़ कुरान थे और आपसे जो भी तुलबा पढ़ते वो वक़्त के शेख और वली बनते। एक सिलसिला में आप उनके नक्शबंदी सिलसिले में आप उनके मुरीद हैं, बैत हैं, और आप मुजद्दल अफसानी रहमतुल्लाह सरकार के तीनों ही बच्चों के जो कि मादरजात वली थे उनके उस्ताद थे और वक़्त के वो बहुत बड़े शेख हुए। आप सिलसिला कादरिया में हजरत शाह कमाल के पोते हजरत शाह सिकंदर कैथली रहमतुल्लाह सरकार के मुरीद हैं। और इस जगह जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ जिन्नात के बारे में, तो हजरत साहब के जो खुलफाओं में से जो सबसे बड़े खुलफा हैं, मैं उनका नाम लेना सबसे बेहतर समझता हूँ, ये जो मियानी साहब है, मियानी साहब जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, आप जहाँ यहाँ खड़े हैं या ये सरकार का आस्थान आलिया मौजूद है, ये बेसिकली एक मदरसा था। और ये सारी जो मियानी साहब है ये जागीर थी हजरत बू मोहम्मद लाहौरी जो खलीफा आज़म है उनके वाले साहब की, हजरत जान मोहम्मद साहब, ये उन्होंने आपको चूना मंडी से इधर बुलाया और आपको आपकी खिदमत में ये जगह उनको मंसूब की कि आप इधर रिहाइश पजीर करें। और आप वक़्त के वली थे और आपके पास जो जो भी तुलबा पढ़ते वो वक़्त के शेख और वली बनते। उन्हीं में से आपके सो सबसे बड़े खादमों में से जिनका शुमार वो जिन्नात का, उन्हें हम पांच पीर बोलते हैं। उनका मज़ार हजरत साहब के सेन में है, पीछे साथ ही बना हुआ है, मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ उनकी। उनका वो कब्रें भी बनी हुई हैं उनकी? जी, उनका एक ही कब्र है। हाँ, वो पांचों के पांचों जो जो जिन्नात हैं वो उसी में आपको आखिरी उनकी आरामगाह बनाई हुई है। वो मैंने अपनी पूरी हयात ज़िंदगी में उनको पेश नज़र पाया, बार बार हर काम में उनको, अभी भी वो ड्यूटी देते हैं, अभी भी वो ड्यूटी देते हैं। और आपके खुलफा के बाद सबसे अगर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है या पावर है तो वो पांच पीर की है, वो आपको अभी मैं मज़ार की ज़्यारत भी करवाता हूँ। और आपका जो विसाले मुबारक है उसमें जो कुछ तारीखें उनमें से थोड़ा सा फ़र्क भी आता है, लेकिन आपका 8 मुहर्रम अल हराम 1000, हाँ जी मैं बताता हूँ, 8 मुहर्रम अल हराम 1040 हिजरी बामुताबिक 17 अगस्त 1663 ईस्वी ये बनता है। और आपकी जो जोजा मुबारक हैं वो दो जोजा हैं और एक वक़्त के अफ़गानिस्तान के वक़्त के बादशाह की बेटी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्नात आके नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर असर की, ये इस हवाले से कुछ बताइए। ज़ोहर असर की अलावा भी ये अज़र साहब के आस्थान आलिया के साथ ही अकब में मुलहका मस्जिद है जो कि आपकी सिलसिला कादरिया में मस्जिद है। हजरत गौसे सकलैन का यहाँ बहुत बड़ा गलबा है, तारी रहता है, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि नमाजी चंद हैं लेकिन गायबाना तौर पर वो जितने भी जिन्नात हैं गैर मखलूक हैं वो आपके ग़ुलाम हैं और मुसलमान जिन्नात हैं वो इधर नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए आप चूँकि बता रहे हैं कि आप बड़े अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपने जिन्नात को देखा है यहाँ पे? देखा भी है और वो किसी को तंग तकलीफ़ नहीं देते, और बहुत सारे मामलात में बहुत सारे ज़ायरीन ने उनका वजूद यहाँ पाया। कभी वो बबर शेर बन जाते हैं, कभी वो अजदहा बन जाते हैं, और कभी अपनी असल हालत में
इधर ही खड़े ड्यूटी कर रहे होते हैं गेट पर, इधर कभी इधर कभी बाहर, जो अजहर साहब की ड्यूटी है वहाँ। अच्छा, आप कहते हैं कि आपने उन्हें असल हालत में देखा है, तो किस तरह का आपने उनको रूप में देखा है, यानी इंसानी रूप, नमाज पढ़ते हुए किस तरह के? ज़्यादा उनको हमने ड्यूटी देते हुए देखा। किस तरह की? ये गेट के पास, गेट के पास। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ हम अगर खड़े हैं तो अदबन जैसे खड़े हो जाते हैं कि अभी कोई शख्सियत आने वाली है तो अदबन खड़े हैं। तो मैं भी अगर मेरी ड्यूटी ऐसा पुलिस में है तो मैं तो लुक आफ्टर करूँगा बहुत सारे मामलात को, कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी या कोई मेहमान आ रहा है तो हम उसे रिसीविंग के लिए घर के बड़े आदमी कोई आगे भेजते हैं ना, जो जिम्मेदार होगा। तो इस लिहाज से जब आपने, आप कहते हैं कि जिन्नात को आपने देखा है और आपने कहा कि जब कोई आता है तो वो अदबन झुक के खड़े हो जाते हैं, तो जब आपने देखा था तो आपने उनको ऐसे ही खड़े हुए पाया हुआ था? और आपने कि वो हर एक के आते हुए अदबन झुक कर खड़े होते हैं, वो साहिब के ग़ुलाम हैं और जो ड्यूटी अंदर से मिलती है वही करते हैं। एज इट कोई बड़ा मेहमान आता है, जैसे कि हजरत साहब के जो मेहमान हैं वो कौन से हो सकते हैं, हजूर दाता साहब भी हो सकते हैं, तो ये तो अल्लाह के बुजुर्गों के लिहाज से एहतराम में वो खड़े होते हैं। और हजूर, आपको ये भी बताता चलूँ कि सिलसिला नक्शबंदिया में आप हजूर जो है दाता साहब जो हैं वो नक्शबंदिया सिलसिला में सबसे बड़े हैं, और आपको सिलसिला नक्शबंदिया जो है हजरत मजद साहब की तरफ से मिला, और मजदी सिलसिला, और आपका दूसरा बड़ा जो सिलसिला चिश्तिया है वो उसकी आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकर मसूद शकरगंज साहब की तरफ से सैर कराई गई। आप फारूकी हैं, उमर फारूक की औलाद हैं, और शेख हजूर बाबा फरीदुद्दीन वो भी फारूकी हैं, उमर फारूक की औलाद हैं, और आप उम्र से बड़े हैं, और जो है मजद साहब भी फारूकी हैं। तो इस सिलसिला में इनकी जो आप कब्रें बता रहे हैं, मतलब जो जिन्नात की आप कब्र बता रहे हैं, आप हमें वहाँ ले, हाँ मज़ार, वो आप हमें वहाँ ले चलेंगे और हमें दिखाएंगे जी? अब वाई नॉट, इसके अलावा मैं आपको आपके जो सबसे खलीफा आज़म हैं उनके पास लेके जाऊंगा, और आपकी जो पाक दोनों जोजा हैं मुबारक हैं शहजादियाँ, वो मेरे लिए तो माएँ हैं, तो वो तो बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, उनका भी दीदार कराऊँगा, और उसके बाद खलीफा आज़म के पास जाएंगे। और सिदादा नशीन जो हैं वक्तन वक्तन जो चलते रहें, एक वक्त में वक्त के बादशाह सलीम ने आपके आस्ताना आलिया पर, शहजादा अकबर का दौर था जब वो इधर, मैं बताता हूँ, मैं आपको ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि शायद आपने ना सोचा। शहजादा सलीम जो है वो अकबर बादशाह का बेटा था और शेर अफगन का मियाँ था, शेर अफगन उसकी बीवी का नाम था खैरुन्निसा, और वो हजरत मजद अलफसानी रहमतुल्लाह सरकार का बहुत बड़ा अकीदतमंद हुआ। मजद साहब ने ये एक बात उसको सलीम को कही थी कि बा खुदा अगर हम जन्नत में गए तो रोज़े मैशर सलीम आप हमारे साथ होंगे। तो आप तो उनके जो है वो बच्चों के उस्ताद हैं, टीचर हैं, और वक़्त के वो मादरजात वली थे, उनके तीनों बेटे हजरत मजद साहब के, और ये हमारे फैसल भाई हैं, ये हमारे इधर आस्ताना आलिया पर लांगरी हैं, और नस्ल दर नस्ल चार से पांच नस्ल से यहाँ लंगर तकसीम कर रहे हैं। इनसे पहले इनके वालिद थे, फिर उनके दादाजी, तो शुक्रगुजार हूँ इस आस्ताना आलिया का। जो आप तबरुक तकसीम करते हैं वो हर जुमेरात के जुमेरात होता है या उसके ऊपर ही तबरुक तकसीम किया? हर जुमेरात होता है और जुमे को होता है, जुमेरात को असर के बाद और जुमे को जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद डेढ़ बजे तकरीबन जुमे के फ़ौरन बाद लंगर शुरू होता है, और फिर महाना ख़त्म शरीफ होता है चांद की 8 तारीख को, उसके बाद 8 मुहर्रम उर्स होता है और 17 अगस्त को उर्स होता है, लंगर चलता है रब रबी उल को होता है, और उसके बाद बड़ी यारमी शरीफ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंगर तकसीम होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम, जैसे कि इन्होंने हमें तफसील बताई है इन बुज़ुर्ग के हवाले से, हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे कहा जाता है कि जिन्नात के भी कब्र मौजूद है, मज़ार मौजूद है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ जाके भी विज़िट करेंगे और बाकी जो कब्रें हैं वहाँ पे भी जाएंगे। और ये साहब का मज़ार और ये पाइंदों की तरफ जो है दोनों मज़ार आपकी पाक सो जाओगे। हज़रत शेख अलमशाइख हज़रत शेख मोहम्मद ताहिरबंदगी रहमतुल्लाह सरकार के जो खुलफा हैं उनमें सबसे बड़े आज़म यही हैं, सबसे बड़े ये खुलफा हैं। इनका नाम हज़रत बू मोहम्मद कादरी लाहौरी है,
और आप जान साहब हज़रत जान मोहम्मद साहब के बेटे हैं, फरजंदे अकबर हैं। और ये जो बेसिकली ये जो हाथ है जिधर हम खड़े हैं, ये मदरसा था। अच्छा, ये सारा हिस्सा जो है, सारा के सारा जहाँ से हम गुजर के आए हैं ड्योढ़ी से, ये सारा मदरसा था। और यहाँ जो है वो दीन और तफसीर के मुतल्लिक पढ़ाया जाता था। और उस वक़्त हालात ये थे कि यहाँ से डेली सियालकोट के लिए एक खुलफा को भेजा जाता, वो वहाँ से कागज़ लाते और उस पर दीन और तफसीर की बातें लिखते, अहादीस लिखते, जो बाज़ार में फ़रोख्त होती हज़रत शेख ख़ुद अपने हाथ से लिखते थे तहरबंदी साहब, और उसकी उजरत से जो भी कमाई होती, जो पैसा मिलता, उससे ये मदरसा चलता। आप आलम दीन भी थे और फुकरा बहुत बड़े थे। आपका उस वक़्त भी और आज के दौर में कोई सानी नहीं है। आप एक रवायत में ये भी मिलता है कि आप हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के नायब हैं सिलसिला नक्शबंदिया में। और यहाँ बेसिकली मैंने जो एनालिसिस किया है वो सिलसिला कादरिया की बहुत ज़्यादा फोकियत और गलबा तारी रहता है। अक्सर औकात गौसे सकलैन को मौजूद पाया गया, आपके नाम को, आपकी तस्वीर को और आपके खाकों को मुख्तलिफ जगह पर मौजूद पाया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत बू मोहम्मद साहब के मदार के साथ दो छोटे मदार हैं जो कि पहले से ज़्यादा नशीन हज़रत शेखुल मशाइख हज़रत शेख मोहम्मद तारबंदगी रहमतुल्लाह सरकार के थे, और उनके बाद हज़रत सैयद शाह सवार के बेटे हज़रत सैयद मुबारक अली शाह साहब जो हैं, ये उनके दोनों दोस्त हैं जो दोनों दोस्त हैं और पाए के वक़्त के वली हुए, ये इनके मदार आता। इनके जो बाद शहजादा नशीनी आई वो उनके पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। पीर सैयद मुबारक शाह साहब के बाद इनके बेटे मुबारक शाह साहब के बेटे हज़रत सैयद बशीर हुसैन गिलानी ये शहजादा नशीन थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अब बचपन में इनसे जो है वो इनके साथ प्यार किया, ये बहुत शफीक है। इसके नस्ल दर नस्ल जो गद्दी नशीन की जो जगह है वो ऐसे वो चलती आ रही है। और इनके बाद सैयद बशीर हुसैन गिलानी सरकार के बाद जो है वो आपके बेटे हज़रत सैयद शाहीन कादर गिलानी हैं जो इस वक्त शहजादा नशीन मौजूद हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सेहतमंद और तंदरुस्त हैं, अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी भी उनको लग जाए। तो इसके बाद मैं आपको एक ऐसे मदार की तरफ लेके जाता हूँ जो कि वक़्त के बादशाह शहजादा सलीम ने उनकी ड्यूटी लगाई थी आपके इस मदरसे की और आपकी खिदमत के लिए उसको भेजा। वो वक़्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, गिलानी हैं। आए ये मस्जिद है जो कि हज़रत साहब के मज़ार के साथ मुलेका है, और इसी के बारे में आप बार बार पूछ रहे थे कि वो कौन सी जगह है जिधर वो नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मज़ार जो है ये मैं बताता चलूँ कि हज़रत सैयद मुनव्वर शाह गिलानी साहब हैं और जिनको वक़्त के बादशाह ने यहाँ खिदमत के लिए भेजा। अच्छा। और फिर ये वापस नहीं गए, अपने घर की तरफ वापस नहीं लौटे, ना ही वो शाही सल्तनत की तरफ लौटे, फिर अपना ज़िंदगी का आखिरी मस्कन इधर ही बना लिया। क्यों? क्योंकि हज़रत शेख जो है वो आपका मकाम ख़त्मुल अंबिया तक पहुँचता है, ख़त्मुल नबीन तक पहुँचता है। यहाँ तक बताया जाता है कि हज़रत शेख मशाइख हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर बंदगी जो है आपको आपकी ज़ियारत मुबारक हुई और आपने फरमाया कि ताहिर इन लोगों से कह दो कि जो आपका चेहरा अक़दस देखेगा रोज़े मैशर जन्नत में जाएगा। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? हजूर नबी करीम ने फरमाया कि ताहिर जो आपका चेहरा देखेगा वो जन्नत में जाएगा, और यहाँ तक फरमाया कि जो आपके हाथा में मदफून होगा तदफीन होगा वो भी जन्नत में जाएगा। खूबसूरत बात है। अच्छा, मुझे ये जो आपने हमें सारी कब्रें मुबारक दिखाई हैं, जितनी भी कब्रें दिखाई हैं और इनकी भी दिखाई है, मज़ारात जो है, ये कब्रें नहीं है जी जी, मज़ारात शेर है बिल्कुल, ये सारे ही अभी भी ड्यूटी देते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरी ज़िंदगी की निचोड़, मैं अपनी मेरे 50 साल एज हो चुकी है, मैंने बोला आपको कि मैं इस घर का ग़ुलाम और कुत्ता हूँ, ग़ुलामों के भी ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। ये बहुत जिस तरह से आपका कहना है कि आपकी वालदा जो है वो यहाँ पे दुआ के लिए आया करती थी और इनकी दुआओं का ही, और बिल्कुल ऐसे ये वसीले ही होते हैं बुजुर्गों के, जिनका मैदार मैंने लास्ट में बताया कि सैयद बशीर हुसैन गिलानी, उस वक़्त मेरी वालदा उनके पास आते थे, मेरा वालद भी, और उनकी दुआ से उन्होंने बोला कि बेटा आपके यहाँ एक बेटा होगा, तो मैं हुआ।
अल्लाह पाक ने नाम भी इधर से रखा गया। मेरे आगे चार बच्चे हुए, सब बच्चों के नाम मेरे पीर शहीन सैयद शाहीन कादर गिलानी ने रखे, दोनों बेटियों के रखे। और मैं तो दुआ करता हूँ कि मालिक रोज़े महशर तक मेरी नस्ल से एक गुलाम मेरी इधर चलता रहे। ये बहुत मुकद्दस है जिधर मैं खड़ा हूँ और आप खड़े हैं। मैं लिख के देता हूँ वारंटीज के साथ कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जिधर आप खड़े हैं, जिधर मैं खड़ा हूँ। इससे बड़ा कोई जन्नत का टुकड़ा नहीं हो सकता, ये बड़ी मुकद्दस जगह। अच्छा, जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है हमें बुज़ुर्ग के हवाले से, और ये जितनी भी मज़ारात हैं इनके हवाले से आपने बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे एक बात बताइए कि जो सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं ताहिर महमूद बंदगी, हज़रत ताहिर महमूद बंदगी रहमतुल्लाह अलैह साहब, हज़रत ताहिर बंदगी साहब जो हैं, जो जिनके मज़ारात, ये जितनी भी मज़ारात हैं ये सब उनके अंडर थे, सब अंडर थे, यानी ये जितने भी थे ये उनके शागिर्द पाए जाते थे। मैं आपको फिर बताता चलूं कि शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। हजूर शेख ताहिर बंदगी 406 साल आपको दुनिया से पर्दा हो, मुकम्मल सुनेंगे, उनके दौर हयात में ही बू मोहम्मद लाहौरी साहब और उनके चंद खुलफा सैयदना आदम बनूरी, बनूर में आपका मस्कन था, आपकी आखिरी आरामगाह जन्नतुल बकी में, आपके एक खलीफा ऐसे भी हैं जिनकी आखिरी आरामगाह जन्नतुल बकी में है, आपके 1.25 लाख मुरीद था आपका। आप शेख का कितना मकाम होगा, आपके खुलफा का ये मकाम है कि आपने रोज़ा अकदस जाली के पास जाके बोला अस्सलामु अलैकुम या सैयदिया रसूलल्लाह, तो जाली से नबी कायनात का हाथ मुबारक बाहर आया और फरमाया कि वालेकुम अस्सलाम ऐ सुल्तानन औलिया। आपके खुलफा की ये शान है, आपने अपनी ज़िंदगी को, अब उमरा और फुकरा के साथ नहीं मिलते थे, अब इबादत में मशगूल रहते थे सारी रात और सारा दिन बच्चों को दीन की तफसीर पढ़ाते, आप इमामत कराते रहे, आप तरावियां भी पढ़ाते रहे, आपने दीन को भी साथ चलाया, आपने दुनिया को भी साथ चलाया। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जो जिन्नात के मज़ार है वो किस साइड पे? ये जो हाथे में हम सेन में खड़े हैं साहब के, और ये सारे जो आपको छोटे छोटे मज़ारात नज़र आ रहे हैं ये कुछ SP और कुछ ये पीछे अफगानी हैं और उनके हैं मज़ारात, ये वक्त के SP थे और वक्त के आपने वो देखें खलीफा इब्राहिम साहब है, नवाब जंगीर साहब, और कुछ उनके अजीज़ो कारब के मज़ारात हैं। ये जो आप बार बार जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है तो उनका आप पूछ रहे तजस्सुस से, ये पाँच पीर हैं, खादम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी, ये पाँच बड़े बुज़ुर्ग हैं और ये इतने बड़े हैं कि जिन्नों के बादशाह हैं। अच्छा। जिन्नात के बादशाह हैं, किंग हैं। अच्छा। आप शायद मेरी बात को गौर से सुने, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जिन्नात के बादशाह हैं और ये अभी भी वक़्त से पहले और आपके शेख के वक़्त में और शेख के वक़्त के बाद, आपने हमारी नज़र तो ओझल है, हम दुनिया में पर्दा कर जाएंगे तो हमारी नज़र ख़त्म हो, या हम यहाँ से दीवार तक देख सकते हैं इसके आगे नहीं, वली की नज़र तो कोसों मील है, यहाँ से देखकर मदीना मस्जिद नबी तक पहुँच जाते हैं, ऐसी नज़र है आपकी। और शेख के ये जो ग़ुलाम हैं, ये इन ग़ुलामों ने भी इनका दीदार किया, ये मैं आपको बयां नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त नहीं करते, ये आप की शान के मतलब इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ने मखलूक पैदा किया, अशरफुल मखलूक सबसे अफजल है तमाम मखलूकों में, तो जिन्नात भी पैदा किए, फरिश्ते भी बनाए, तो ये तमाम जिन्नात के किंग हैं, तमाम जिन्नात के, तो अब ड्यूटी लेवल क्या होगा? सही कह रहे हैं। और ये जो है इस जगह को है बेसिकली, वो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ राज होते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। इससे मैं आपका फिर मज़ार बना दिया गया और आप कुछ लोगों ने तो आपको इधर तुरपत पर बैठे हुए देखा, इसी तरह शेख को भी देखा, तमाम अंदर जो भी है वो साबित है, किंग है।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे इधर आते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और बहुत बहुत दाता हजूर के बाद ना बहुत ही ज़ाहिरा पीर हैं ये, बहुत ज़्यादा। मेरे मतलब के कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, आप यकीन करें कि मैं बैठी हुई थी अपने घर में ही और बैठे बैठे मुझे कान में सिर्फ एक आवाज़ ही आई है, एक हिंट्स देते हैं ये और बंदा जब चल पड़ता है ना उसके ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती इस कदर यहाँ पे रूहानियत है कि आगे जाके आपको मंजिल मिल जाती है। और मैं आपकी वसासत से ये कहूँगी कि जो लोग ये देखें मेरा इंटरव्यू, वो एक मरतबा यहाँ पर आकर ज़रूर हाज़िरी दें। दाता हजूर के बाद अगर कोई हस्ती ज़ाहरा वो ये हैं, दाता हजूर सरकार के बाद फिर मैं कहूँगी कोई है तो वो ये हैं। हज़रत ताहिर बंदगी ज़रूर आएँ, यहाँ पे जुमे की नमाज लाजमी पढ़ें और इंशाल्लाह मुराद पाएंगे। जैसे कि मजीद साहब से हमने आपकी बात करवाई, उन्होंने हमें यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उनके हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन दी, वो जो अंदर तमाम कब्रें मौजूद हैं उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी, यहाँ तक के जो यहाँ बुज़ुर्ग हैं ताहिर बंदगी, हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवियाँ हैं उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद थी, वो भी हमारे मेरे कैमरा मैन ने आपको दिखाई, और जितने भी सजादा नशीद दर सिलसिला चलते आ रहे हैं उनकी कब्रें मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी मेरे कैमरा मैन ने आपको दिखाई। और जिनका जिक्र मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया था कि लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पे जिन्नात देखे हैं और उस जिनकी कब्र भी यहाँ मौजूद है, तो मेरे कैमरामैन ने आपको वो कब्र भी दिखाई है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।